हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी एफ 62 को हम कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल सी स्टेप्स मैंने आपको बताया है कि आप अपने डिवाइस को कैसे फैक्ट्री रीसेट कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले रीसेट करने के लिए हमको सेटिंग्स के अंदर जाना होगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट हमको क्या करना होगा, हमको सिंपल सा सर्च करना है रीसेट। ओके, यहाँ पे हमको सर्च करेंगे हम रीसेट, तो यहाँ से हम रीसेट पर सर्च करेंगे। रीसेट सर्च करने के बाद गाइज यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे हमारा जनरल मैनेजमेंट के अंदर हमको रीसेट देखने को मिल जाता है। तो हम फैक्ट्री डाटा रीसेट पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक करना होगा। इस पर हम क्लिक करके हमारे जितने भी अकाउंट हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैकअप है वो डिसेबल है या फिर इनेबल है, आप उसको चेक करें। ठीक है, तो यहाँ से हम सेट करेंगे बैकअप। ठीक है, तो हमारा जो बैकअप है वो भी हमको पता चल जाएगा कि हमारा बैकअप इनेबल है या फिर डिसेबल है। ओके सेट, ओके, बैकअप की स्पेलिंग गलत हो जा रही है बार बार। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमारा जो बैकअप वाला ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा। तो चलिए गाइज, अब हम सिंपल सा पहले इसको रीसेट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम जाके चेक तो करेंगे। जनरल मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे, रीसेट पे हम क्लिक करेंगे और हमारा जो डाटा है वो हमको यहाँ पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए गाइज, यहाँ से हम फैक्ट्री डाटा रीसेट पे क्लिक करेंगे और रीसेट पे हम क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हम आपको अपना पासवर्ड हमको डालना होगा, तो यहाँ से हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं और नेक्स्ट करेंगे। डिलीट ऑल पे हम क्लिक करेंगे और ये सेट डाउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपका फ़ोन मतलब रीसेट हो रहा है, सिंपल तरीके से आपका फ़ोन अब रीसेट हो जाएगा, बट आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम वेट कर लेते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये फ़ोन आपका बूट अप होगा। तो बस चलिए हम वेट करते हैं। अब आपका फ़ोन यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी लिखा आ चुका है, बट आपको थोड़ा देर वेट करना होगा क्योंकि गाइस आपका फ़ोन अब यहाँ से डाटा आपका इरेज हो रहा है, डाटा इरेजिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए वेट कर लेते हैं और कितना टाइम लगता है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा फ़ोन स्टार्टिंग एंड्रॉयड लिखी आ गई है, थोड़ा टाइम लिया इसने, कोई 5 या 10 मिनट आप बोल सकते हैं इसको टाइम लेने में लगा। तो चलिए, हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे वेलकम लिखा गया है। सिंपल सा इसको हम सेटअप कर लेंगे, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट करेंगे, स्कीप करेंगे, यहाँ से हमको कोई भी नेटवर्क कनेक्ट नहीं करना, डोंट कॉपी करेंगे, हमको कुछ कॉपी भी नहीं करना, जस्ट ए सेकेंड वेट करना है, नेक्स्ट करना है आपको फिर, और मोर पे क्लिक करना है और यहाँ से हम नेक्स्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, स्कीप करेंगे, कोई पासवर्ड नहीं लगाना, स्कीप एनीवे करेंगे। ओके, तो आपका फ़ोन यहाँ से अब सेटअप हो चुका है, जस्ट ए सेकेंड आपको और वेट करना है गाइस, उसके बाद आपका फ़ोन कंप्लीट सेटअप होने की कगार पे है। वेट फॉर ए जस्ट सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड लिखा आया, बट मेरे को नहीं लगता कि इसने 1 सेकेंड लिया है, 1 सेकेंड से ज़्यादा इसने अब तक कैप्चर किया है। तो चलिए अभी हम देखते हैं और कितना टाइम लेता है। अब मैं वीडियो को पाउज नहीं करने वाला, मैं देखूंगा ये कितना टाइम और लेता है। ओके 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 ओके, तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन को सेटअप भी कर सकते हैं। ओके, प्लीज़ वेट लिखा आ गया यहाँ पे और यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्कीप करेंगे, स्कीप करेंगे, हमको कोई अकाउंट इसके अंदर लॉगिन नहीं करना, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब आपका सेटअप हो चुका है, आपका फ़ोन आपका बिल्कुल फिनिश। ओके स्कीप, ओके, तो यहाँ पे आपका फोन सेटअप हो चुका है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।